हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे फ्राई मोदक। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप भी इस तरह से बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मेरे पास सूजी है, ये थोड़ी मोटी है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून लिए, इसे हम थोड़ी ब्रिक में पीस लेंगे। आपके पास बारीक हो तो आप बारीक ले सकते हो। मैंने सूजी को पीस लिया। महीन पाउडर नहीं बनाया मैंने इसका, इसके एक बाउल में निकाल लिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला, 1 टीस्पून मैंने घी गरम फुल गरम किया अच्छे से। इसे गरम गरम मैं अपने मिक्सचर में डालूंगी। इससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना हमने, इस तरह से इसका तैयार होना चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दो डाल के इसका सॉफ्ट डो बनाऊंगी। इसमें सूजी डाली है तो बहुत हार्ड नहीं बनाना इसको। 1 पिंच मैंने नमक डाला इसमें, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 टीस्पून घी डाला मैंने, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने खसखस डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कच्चा नारियल डाला। इसे हल्का सा भूनेंगे हम। 1/2 टेबल स्पून और डाल दिया मैंने, इसे हल्का ब्राउन करेंगे। इसमें मैंने ग्रेटेड किया हुआ गुड़ डालेंगे, मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला। आप अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा डाल सकते हो या कम कर सकते हो। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ ग्रेट किया हुआ तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। इसमें अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब इसे गैस से उतार लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। हमारे आटे को भी 15 मिनट हो गए रेस्ट किए हुए। इसको अच्छे से दोबारा फिर से मसल देंगे हम ताकि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। इसकी छोटे छोटे लोइयां तोड़ लेंगे हम, जैसे पूरी बनाते हैं उससे भी थोड़ी छोटी बनाएंगे हम। मैंने इसकी सारी लोइयां तोड़ ली। एक लोई को मैंने बेलने से बेल लिया। ये पूरी से छोटा रखेंगे हम। इसमें हम ऐसे प्लेट्स डाल लेंगे। आप पहले फिलिंग डाल सकते हो, बाद में बनाएंगे। मैं पहले कर रही हूँ इसको ताकि इसमें फिलिंग अच्छे से सेट हो जाए। इसके मोल्ड भी आते हैं बाज़ार में, आप उसमें से डाल के बना सकते हो। मैं इसे हाथ से बना रही हूँ। इस तरह से इसे अच्छे से बंद कर दें, नहीं तो हम जब ऑयल में डालेंगे तो ये निकल जाएगी फिलिंग। इस तरह मैं एक और बना के दिखाती हूँ।
इसमें भी 1 टीस्पून मैंने फिलिंग का डाल के इसको अच्छे से इसको भी बंद कर लिया। ये मैंने 4 पीस बना लिए, इसे फ्राई करेंगे। बहुत कम फ्लेम चाहिए इसकी, नहीं तो ये ऊपर से सॉफ्ट जल जाएगा। इसे कम फ्लेम पे धीरे धीरे इसे फ्राई करेंगे। इसके ऊपर ऐसे घी डालते रहेंगे। इसे एक बार में फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इसी तरह मैंने और भी बना के डाल दिया इसमें। इसके भी हल्का ब्राउन करेंगे हम। ये मेरे सारे मोदक बन के तैयार हैं, अब इसे हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।